ये सूरह मुजादला की आयात थी और अल्लाह महफिल के मुतालिक फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए मजलिस में किसी के लिए जगह दे दो तो जगह कुशादा कर दो। सहाबा इकराम उस वक्त हुजूर को घेर कर बैठ जाते थे। और एक मरतबा ऐसा हुआ, एक बदरी सहाबी आए, उनको जगह ही नहीं मिली, पीछे थे, तो जगह करने की बात आई तो कहाँ, इधर उधर जैसे आगे कब्जा करके नहीं बैठते हैं अब, पहली सफ में दूसरी सफ में, लेकिन कुशादगी थोड़ी सी बाकी होनी चाहिए। किस तरह से कि किसी को खूनखार नजरों से मत देखो, ये कैसे आ गया, ये आगे ये कौन बढ़ करके हमारे सामने आ गया ना। किसी को भी अगर नया आपने देखा, तुम्हारा भाई होगा। और एक बात याद रखो, कभी कभार इंसान की सूरत में अल्लाह के फरिश्ते दाखिल होते हैं, मस्जिदों में आते हैं, तुम्हारे धक्के तुम्हारी खूनखार नजरें उनकी तरफ अगर उठी तो तुम्हारा सब बर्बाद हो जाए। दिलों को नरम रखो। इस तौर पर अल्लाह फरमाता है तफस्सहू फिल मजालिस, जब आपसे कहा जाए महफिल में खुशादगी करो तो कर दो, उसका असर क्या होगा, अल्लाह फरमाता यफ्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत कुशादा जगह अता करेगा, तुम्हारे लिए बहुत कुशादा जगह अता करेगा। ये महफिल के आदाब हैं, किसी के लिए जगह दे देना, किसी के लिए कुशादगी इख्तियार करना, ये महफिल के आदाब में से है। उसके अलावा एक और चीज़, जब सहाबा हुजूर से बहुत सवाल कर रहे थे, हर चीज़ पूछते थे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नाजिल फरमाई। क्योंकि उस वक्त होता क्या था, जो बड़े बड़े सहाबा थे, कुछ अमीर सहाबा थे और कुछ बड़े मकामात वाले सहाबा, वो हुजूर के आसपास बैठ जाते, और कुछ छोटी उम्र वाले या कुछ गरीब सहाबा भी थे, वो पहुंच नहीं पाते थे, आ नहीं पा रहे थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नाजिल फरमा दी कि सबको फैज मिलना चाहिए मेरे नबी से, सबको फैज मिलना चाहिए, ये सारे उम्मत का रसूल है, सारे इंसानियत का रसूल है। आयत क्या आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा नाजैतुमुर रसूल फकद्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। ऐ ईमान वालों, जब भी मेरे रसूल से कोई बात करना हो, पूछना एक मसला, तो एक मसले पर एक सदका पहले बाहर देकर क्या हो, एक सदका दो, एक मसला पूछो। अब यहां पर यूं समझ लीजिए कि सबके लिए अब यह हुक्म आया कि हुजूर से कोई भी सवाल करना है तो फिर एक सदका देना होगा और फिर सवाल करना होगा, सदके की कीमत जो भी रही होगी मिकदार। अब इस आयत के आने के बाद जाहिर सी बात है कुछ तो दूर दूर हो, लेकिन जो गरीब सहाबा थे वो कहने लगे हमारे लिए तो और भी बड़ी बात हो गई, हम कहाँ से दें और कैसे पूछें। अब दोनों मसले थे, कुछ लोग छट तो गए, या महफिल में भीड़ जो होनी होती उसमें कमी आई होगी, लेकिन जो गरीब सहाबा थे उनका भी मसला था। और एक हैरत की बात मैं आपको बताऊं, और बड़े मोहब्बत की बात है, ये आयत नाजिल होते ही हजरत अली रदी अल्लाह तआला मौला अली शेर खुदा रदी तआला आए, 10 सदके किए और 10 सवालात किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सदका पेश किया, एक सवाल किया, फिर एक सदका बाहर मिस्कीनों को पेश किया, फिर एक सवाल किया। इस तरह हजरत अली ने 10 चीजें सदका की और 10 सवालात किए, तो उस आयत पर अमल कर लिया। तो अब देखा कि भाई ये तो अब ऐसा ही चलेगा, कुछ सहाबा के दिलों में गमगीनी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन दूसरी आयत नाजिल फरमाई, अशफ़क़तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका फ़इज़ लम तफ़अलू वताबल्लाहु अलैकुम। यानी अल्लाह ने फरमाया तुम डर गए कि नबी के पास एक सदका एक मसले के लिए पूछने के लिए तुम डर गए, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने अब यह माफ कर दिया। फौरन आयत आई कि अब यह हुक्म खत्म हो गया और माफ कर दिया गया, अब फ्री में सवाल करो, मुफ्त में ही पूछो। तो अब फिर सहाबा की खुशी का कोई आलम नहीं था, इंतहा न थी, फिर सारे सहाबा सवालात करने लगे। लेकिन मुझे बताना यह है, ये आयत आज भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सवाल करने पर एक सदका देना जरूरी था, यह आयत हब भी है।
इसका हुक्म खत्म कर दिया गया, तिलावत बाकी है, लेकिन इस आयत पर अगर कोई अमल कर सका तो दुनिया में एक ही इंसान, वो है हैदर कर्रार अली मुर्तदा रजी अल्लाह तआला। वो फौरन अमल किए, उसके बाद हुक्म उठा लिया गया, फिर खत्म हो गया। तो ये भी सहाबा इकराम की फजीलत में कुछ बातें आई हैं।